किसी ने बोला कि दादा बिहार में तो लालू यादव सारा का घोटाला करता है, यहाँ में तो हमारा मुख्यमंत्री जी गोबर का ही घोटाला करके बैठ जाते। फिर मैंने गोबर का घोटाला सुना, दो दिन का बाद मैंने सुना कि गंगा मैया का कसम खाया था भूपेश बघेल जी, सीएम बनने से दारू का दुकान बंद कर देगा। कोई दुकान बंद हुआ क्या? अभी तो होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ में क्या किया, सरकारी खजाना को लूटने के लिए दारू का दुकान में भी अपना व्यापार शुरू कर दिया, डुप्लीकेट दारू भी सेल करना शुरू कर दिया। फिर कोयला का रमन सिंह जी ने कोयला का सारे जो व्यापार होता है वो ऑटोमेटिक डिजिटल कर दिया था, भूपेश बघेल जी ने उसको भी मैनुअल बना दिया, वो भी माल लूटने के लिए। अभी अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना कि भूपेश बघेल जी ने 100-200 करोड़ रुपया नहीं 508 करोड़ रुपया लूट लिया महादेव ऐप से। तो मैंने पूछा, भाई ऐप बनाना ही था, महादेव का नाम क्यों इस्तेमाल करते हो? महादेव तो हिंदू का देवता है, भगवान है, आपको कोई ऐप का नाम देना ही था। भूपेश बघेल ऐप दे देता था तब भी चल जाता था, लेकिन आपने महादेव का नाम को क्यों ऐसे दुरुपयोग किया? अभी तो चुनाव का समय, छत्तीसगढ़ का पब्लिक तो उनका बदला लेगा लेगा ही, चुनाव का बाद भूपेश बघेल जी को महादेव भी छोड़ने वाला नहीं है, कोई कारण में महादेव उनको छोड़ने वाला नहीं है। भाई और बहनों, गोठान का घोटाला कर लो, गोबर का घोटाला कर लो, महादेव ऐप का घोटाला कर लो, दारू का ऐप का घोटाला कर लो, धान खरीद का ऐप का घोटाला कर दो, या कौन सा घोटाला अभी आपने नहीं किया? मैंने अभी अभी छत्तीसगढ़ में रायपुर में बताया, अगर देश में कोई घोटाला का विश्वविद्यालय बनता है, वो विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर भी भूपेश बघेल जी ही बन जाएगा, उनको अभी टक्कर लेने का सामान कोई नहीं है।